हेलो गाइस तो हाल में ही उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने स्नोलियो पार्ट कंजर्वेशन सेंटर ओपन करने का अनाउंसमेंट किया है इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इसमें यू एन कैसे इन्वॉल्व है ये टॉपिक यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है सो लेट्स स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नो पार्ट फर्स्ट दे आर ऑल्सो नोन एज घोस्ट ऑफ माउंटेन्स इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है सेकेंड द स्नो लियो पार्ट इज शेड्यूल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टू एनिमल है स्नो लियो पार्ट आर फाउंड कंट्रीज स्नो लियो पार्ट बारह देशों में पाए जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट आपने तीनों स्टेटमेंट देख लिया इनमें से सही कौन सा है ऑप्शन ए ओनली वन ऑप्शन बी 1 एंड 2 ऑप्शन सी 1 2 एंड 3 ऑप्शन डी नन ऑफ दिस आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं एनीवेज मैं आपको वीडियो के एंड में आंसर दूंगा ही देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता ही दिया ये कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा और इसको उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और DP, मिलकर साथ में डेवलप करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि स्नो लियो को करने की जरूरत ही क्या है? जब कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करती है स्नो लियो पार्ट करेंटली इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में वालनरेबल स्टेटस पर है इट मीनस इनका टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड में बिलो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो गया है सो so, इस इस्पीसी को बचाने के लिए हमें इनको कंजर्व करना होगा सेम एज वी फॉर टाइगर्स प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया के काश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं ये जनरली अपर हिमालयन रेंज में रहते हैं स्नो लियोपार्ड्स को होस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है ये बात आप याद कर लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज होस्ट ऑफ माउंटेन्स तो आपको वहां पे आंसर देना होगा स्नो लियोपार्ड्स स्नो लियोपार्ड्स के एग्जैक्ट पॉपुलेशन का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये अपर हिमालयन रीजन में रिसाइड करते हैं और वो रीजन इनहॉस्पिटेबल है स्नोलियोपार्ड जनरली हिमालय हिमालयन अल्पाइन जोन और ट्रांस हिमालयन में पाए जाते हैं इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में वल्नरेबल का स्टेटस दे दिया गया है कुछ टाइम पहले ये इंडेंजर्ड थे इट मीनस कि इनका स्टेटस को डाउनग्रेड कर दिया गया है स्नो लियो को मेनली पोचिंग और एनिमल ह्यूमन कंफ्लिक्ट से खतरा है इंडिया ने स्नो लियो के कंजर्वेशन के लिए एक मेजर स्टेप लिया है और प्रोजेक्ट टाइगर के फुट स्टेप पर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है सिक्योर हिमालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मेन एम हिमालयन इको को सिक्योर करना कंजर्व करना सस्टेनेबल यूज करना और रिस्टोर करना है गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को 2017 में लॉन्च की थी सिक्योर हिमालय स्नो लियो के साथ साथ दूसरे हिमालयन इंडेंजर्ड स्पीसीज और उनके हैबिटेट को भी कंजर्व करता है इंडिया का पहला स्नो लियो कंजर्वेशन सेंटर लंका में खोली जाएगी लंका उत्तरा उत्तराखंड के उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में है आप हाँ इस लंका से श्रीलंका या बनारस वाले लंका को नहीं समझ लेना स्नो लियो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल वन एनिमल है पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इनकी एग्जिस्टेंस पर खतरा है इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मेनली ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है आइए अब स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में जानें। जीएसएलईपी लियोपार्ड रेंज कंट्री का एक अलायंस है जिसका मुख्य गोल है मुख्य उद्देश्य है कंजर्वेशन ऑफ लियोपार्ड एंड इट्स माउंटेन इकोसिस्टम देखिए स्नो लियोपार्ड वर्ल्ड में ट्वेल्व कंट्रीज में पाए जाते हैं नेमली इंडिया नेपाल चाइना मंगोलिया रसिया पाकिस्तान अफगानिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान जो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नोलियो पार्ट अब आपको पता ही चल गया कि स्नोलियो पार्ट को घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है और स्नो लियोपार्ड शेड्यूल टू एनिमल नहीं है स्नो लियोपार्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के तहत शेड्यूल वन एनिमल है और स्नो लियो वर्ल्ड में ट्वेल्व कंट्रीज में पाए जाते हैं तो ऑप्शन वन और थ्री सही है ऑप्शन टू गलत है क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल टू है जबकि होना चाहिए था शेड्यूल वन सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन बी वन एंड थ्री सो ऑप्शन बी इज राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आप चाहे तो हमें सोशल मीडिया हैंडल आई क्यू टीम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई डाउट्स है सजेशंस है तो आप कमेंट करें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए